मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है। गलत विचारों से जैसी खतरनाक हानि होती है, ऐसी हानि बड़े बड़े बमों से भी नहीं होती। हम जब साधना करते थे, हनुमान जी को उपासना करने को किसी ने बताया, कभी काली की उपासना किया तो काली आ जाती थी, हम डर जाते थे। ये सब करते करते जो निचोड़ मिला वो तुमको बताते, ये सारे बाकी की बात बताते भी नहीं। आबू की गुफा में हम रहते थे, लोग बताते थे रीछ खड़ा हो जाता है, वो एक बाई को ऐसे झपट लिया, ओमकार का जप हुआ था, जिधर रीच बोलता है उधर गया मैं, वो कुछ भी नहीं किया मेरे को, सांप भी कुछ नहीं करता। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार, हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे हत्या। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया है। चमत्कार है क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। जो प्रकट होते ही जमुना जी को चरण स्पर्श करा देता है, जमुना जी शांत अवस्था में आ जाती है। छठे दिन पूतना आती है, उसका जहर पीता है, फिर भी पूतना को भी अपने धाम में भेज देता है। ऐसा भगवान कृष्ण बड़ा कि खीले खाते हुए पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारा प्राण छोड़ गया। वो तुम्हारा गॉड बड़ा कि हमारा कृष्ण बड़ा, यू जज। हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए, तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। हिंदू सहिष्णु है, उदार है, ये बात सब अच्छी है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है। और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती और जब आती है तो और वेग से आती है, ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारा हमारा सभी का कर्तव्य है कि नहीं है? पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं, अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे रख रहे हैं। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो, आपके हिंदू भाइयों को भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को, क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे? किसी से मिलने या बातचीत करने के लिए शंकराचार्य को रोकना और उनको चारों तरफ घेरे में बनाए रखना, मानसिक त्रास देना, ये उनकी पीड़ा उनकी नहीं रही, सारे हृदय पीड़ित हैं। अने 21वीं सदी ना आरंभ में आप जुओ एवं तो शू कारण है कि लाखों की मेदनी गांडी थाई
नहीं ज नहीं, मैं तो पूज्य बापू ने हरियाणा मा खूणा मा बैसे ने सांभळ्या, पंजाब मा सांभळ्या, राजस्थान मा सांभळ्या, उत्तर प्रदेश ना गलियाराओ मा सांभळ्या, समग्र राष्ट्र मा एक नवी चेतना जागी, सामूहिक सत्संग एनो एक नवो प्रवाह शुरू थयो छे। मने लागे छे के 21मी सदी मा भारत ने जे जवाबदारी निभावानी छे, जे भूमिका निभावानी छे, एनी पीठिका तैयार करवानु काम फरी एक वार पूज्य आशाराम बापू जेवा अनेक ऋषियों मनीषियों करी रहा छे। मल नाम दिया मैंने इनको, मोदी मल का है, मल मतलब मजबूत, मजबूत हो मतलब कुछ ना कुछ बोझा रखने का इरादा है। भारत विश्व का गुरु था, अब थोड़ा भूल गए, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा सपना आज नहीं तो कल साकार हो के रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है और बनेगा, एक सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी तीसरी, संतों का संकल्प है आज नहीं तो कल हो के रहेगा। भारत कोई सदा के लिए शोषित होगा क्या? जिन्होंने भी गीता पढ़ी है और भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है उन्होंने हृदय पूर्वक इस भारतीय संस्कृति का गुणगान किया है, तुम गर्व करो कि हम भारतवासी हैं। लोग बोलते अंग्रेजी भाषा बहुत बढ़िया है, अरे इस भाषा से ज्यादा कोई रद्दी भाषा ही नहीं है। मैकालेन की शिक्षण पद्धति के कारण हम हिंदुस्तानी होते हुए भी दिल दिमाग गुलामी से भरा हुआ है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। अपने देश की भाषा अपनी संस्कृति की रक्षा आप नहीं करोगे तो क्या आपके दुश्मन करेंगे? अब सभी भारत के हितेशियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। इस युग के लिए आदमी की सुषुप्त संभावनाएं, सुषुप्त शक्तियां, सुषुप्त आनंद, सुषुप्त प्रेम, सुषुप्त त्याग, सुषुप्त सहानुभूतियां जगाने के लिए कुंडलनी योग एक अद्भुत योग इस युग के लिए सिद्ध हो रहा है। ये विचार करो मैं कौन हूँ। ओ तो करते करते 18-19 साल हो गए, इससे क्या हुआ? जब तक पहुंचो नहीं मैं तब तक करते रहो। अब पहुंचना क्या, वो तो अपना स्वरूप है, पहुंचना मोचना क्या? तो जान ही लिया कि अपना स्वरूप है। हिमालय जैसी उच्चता, पवित्रता, श्रेष्ठता, धन्यता, आनंदता जहाँ है वैसे हैं हमारे बापू, वह राष्ट्र की धरोहर है। जीवन में आखिर हर व्यक्ति निराश है और हर व्यक्ति जो निराश है उसको आसाराम जी की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने गीता को कहा लेकिन गीता के संदेश को सच्चे मायने में आशाराम बाबूजी ने जन जन तक पहुंचाया। आशाराम बाबूजी का प्रवचन सारी देश में सब जगह पर हो रहा है, कई लोग अपना जीवन बदल करके सीधा रास्ता पर आने के लिए बहुत लोग प्रयास करके अच्छा रास्ता पर आ रहा है। गाय का घी, दही, गोबर, गाय का जहरण, गौ पालो तो बहुत अच्छा, गाय को खिलाए, गाय खाएगी अपने हाथों से तो प्रसन्न होगी, उस समय गाय के शरीर पर उंगलियां घुमाए, और गाय की रोग प्रतिकारक शक्ति से डॉक्टरों का रिजेक्ट केस भी ठीक हो जाते हैं। गाय का आदर तो भगवान कृष्ण भी करते हैं, भगवान राम भी करते हैं, अरे रावण भी गाय का आदर करते। रावण ने सख्त आदेश दिया था कि जहाँ गाय का आदर होता है और जहाँ गाय होती है वहाँ उसकी हवा से और उसके दूध से वातावरण शुद्ध और स्वस्थ रहता है, गौ हत्या वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। तो गाय पाल सको तो बहुत अच्छा, समझो गाय नहीं भी पाल सको तो भी गाय के खुर की मिट्टी मिल जाए तो लेके रख दो, कहीं भी काम करने जाते तो गाय के खुर की मिट्टी का तिलक कर दो, आपके काम में फतेह होने में मदद मिलेगी। नीलगिरी भी वायु गंदा करती, जीवनी शक्ति हारती, उसके विपरीत पीपल के पेड़ जीवनी शक्ति विपुल प्रमाण में देते।
नीम के पेड़ तो रात्रि को भी नीम के पेड़ के नीचे शयन करो तो प्राण शक्ति सब कुछ देती। नीलगिरी हटाओ, पीपल बढ़ाओ, तुलसी बढ़ाओ, नीम बढ़ाओ, आंवला बढ़ाओ। बच्चों को वीरों की कथाएं, ओमकार का जप और भगवत ध्यान और भगवत नाम की महिमा सुनाओ। भैंस चराने वाले बच्चे गोएर में इंजीनियर बनकर 1,80,000 रुपये पा रहे हैं। ऐसी मंत्र विद्या आपके भारतीय संस्कृति में है। गम गणपतये नमः। बच्चे विद्या पढ़ने जाए, पेपर लिखने जाए तो तिलक करके गम गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, तब पेपर भी अच्छा आता है। एक गम वर्ड ने मेरे न्यूरॉन्स को इतना एक्टिवेट किया ब्रेन में और इतना अच्छा मेमोरी बन गया कि 80,000 वर्ड्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 80,000 वर्ड्स मुझे विद पेज नंबर से याद है। तो इस गुरु कृपा का ही चमत्कार है। आज अच्छे अच्छे घर के बच्चों को स्कूलों में अथवा चलचित्रों में विदेशी चैनलों में ऐसा गंदा दिखता है कि हमारा भारतीय धन का बहुत बहुत ढंग से ह्रास हो रहा है। संयम के बिना सामर्थ्य का संचय नहीं होता। वे लोग और भी भागशाली हैं जिनके जीवन में दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक आ जाता है। इस पुस्तक को कोई बच्चा बच्ची पढ़े वो बिल्कुल तेजस्वी होके रहेगा। माई भाई पढ़े 5 बार। स्त्रियां संयमी और मनोबल बुद्धि बल शारीरिक बल की धनी हो जाएगी। और भाई लोग पढ़ेंगे ये पुस्तक तो बुद्धिशाली होंगे और संयमी होंगे, सदाचारी। यहाँ पर एड्स के उपचार के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं कि एड्स ना हो, लेकिन सदाचार का प्रचार करने के लिए आखिर कौन कितना खर्च करता है? उसके दिसंत महापुरुष उसके लिए प्रयत्न न करते तो न जाने आज देश की कहाँ क्या दुर्गति हो गई होती। वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस है। अरे प्रेम दिवस है, सेक्सुअल दिवस है। एक दूसरे को फूल देते और सेक्सी काम की नजर से देखते, राजवीर नाश होता है। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से, सात्विक भोजन चला गया, सात्विक संस्कार चले गए। अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती। इसलिए मैं ये प्रयत्न करता हूं ताकि हमारे युवा धन की रक्षा हो, हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य, इसलिए मैं ये करता हूं। 14 फरवरी को फूल लेकर नहीं, दिल लेकर, पूजा की सामग्री लेकर माँ के चरणों में, पिता के चरणों में आओ, जिससे तुम्हारा अंदर का तीर्थ शुद्ध हो जाए। प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें और माँ बाप बच्चों को प्रेम से त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन और दूसरे पर्व, उन पवित्र दिनों में लोग मांस दारू क्रिमिनल करते तो इससे थोड़ी प्रवृत्ति समाज की सात्विक हो जाए, ये मैंने शुरू करा। साधुओं का नाम लो तो सुखदेव जी का पहला नंबर आता है और सुखदेव जी ने ज्ञान लिया तो राजा जनक से, ऐसा राजा जनक भारत की कन्या सुलभा का अर्घ्यपाद से पूजन करता है। कितना सम्मान रहा होगा कन्याओं का, कितना नारी सम्मान रहा होगा। अभी नारी को बेचारी को लाली लिपस्टिक लगाकर, सिगरेट की आदत डालकर, पफ पाउडर लाली लिपस्टिक करके, भोग की पुतली बनाकर, बॉयकट करके क्लबों में नचाते बोलते नारी को स्वतंत्रता देते, नारी के साथ विश्वासघात हो रहा है, नारी के साथ धोखा हो रहा है, नारी को भोग्या बनाया जा रहा है। योगिनी बनाओ तो नारी के साथ न्याय है, भोगिनी बनाए तो न्याय का अन्याय। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ घर में सुख शांति और बरकत होती। माइयां पायल पहने नहीं तो चांदी का कड़ा पहने और तिलक लगाए, इससे माइयों की विचार शक्ति और स्वास्थ्य के कण बढ़ते हैं।
जो भाग्य को संवारने की चीज है, वहां मरे हुए पशुओं की हड्डियों के घोल से बनी हुई चीज अपने ललाट पे लगाना कितना माइयों के साथ अन्याय है। अगर घर में प्लास्टिक की बिंदियां हैं तो गटर में डाल दीजिए। तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक बहुत हितकारी है। चंदन का तिलक, कंकु का तिलक, सिंदूर का तिलक फायदा करता है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जन्मदिवस, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, काम विकार भोगते तो विकलांग संतान पैदा होती, मेंटली विकलांग हो अथवा शारीरिक विकलांग हो। और जो 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करें। ओम सूर्याय नमः, ओम शंकराय नमः, गम गणपते नमः, हनुमन्ते नमः, भीष्माय नमः, अर्यमाय नमः। इन 5 पुण्यात्माओं का स्मरण करने से कैसा भी कामी आदमी हो ब्रह्मचर्य पालने में बड़ा सहयोग मिलता है। मदिरा पीने से आपकी बुद्धि में जो ईश्वर पाने की क्षमताएं विनाश हो जाती है। मांस खाने से आपकी जो सौम्यता, शीतलता, पवित्र भावना है वो क्रूरता में बदलती है। मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय आंख देख नर खाते है, निश्चय नरक में जाए। जीव मार भोजन करे ताकी करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थाली में शमशान। जियो जीने दो सबकी उन्नति, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करे। हाथ ऊपर रखना, मैं शंख बजाता हूँ। आपका आज से नया जीवन, पान मसाला गया। अब मुर्गों के पैरों की मिट्टी घर में आवे, बकरों के पैर की मिट्टी घर में आवे, वहां के घर में लक्ष्मी रूठ जावे। गाय के पैर की मिट्टी जिसके घर में आती, संत की चरण रज जिसके घर में आती, वहां लक्ष्मी और नारायण दोनों आते। मैं आपको ऐसे हजारों आदमी बता सकता हूँ, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, जो 8-12 घंटा काम करते और पहनने को चप्पल नहीं, कितना शोषण, कितनी महंगाई। मेरा दिल पीड़ित होता है, इसलिए मैं घूमता हूँ और आदिवासी इलाकों में भोजन, वस्त्र, कपड़ा, टोपी टोपी बांटता हूँ। सुंदर समाज तो तब कहेंगे जब सामान्य आदमी का शोषण ना। मंदिर तो बनने चाहिए लेकिन गरीबों के इलाकों में जब झांकते ने तो उनके झोपड़े भी कुछ बनने चाहिए, उनके मकान भी बनने चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी बनना चाहिए, आरोग्य केंद्र भी बनने चाहिए। और आप दिवाली को मैं सत्संगों में कहता आया हूँ कि आप अपने घर में दिवाली मनाते हैं लेकिन पड़ोस के गरीब गुरबों के यहाँ जाकर उन बच्चों को कपड़ा पहनाइए, उन्हें मिठाई दीजिए, पटाखे दीजिए और स्नेह कीजिए। आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद करने वाले ऐसे लोक हितैषी संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज हित में लगा दिया, भारत ही नहीं विश्व धर्म संसद में भी भारतीय संस्कृति का डंका बजाया और हिंदुओं को धर्मांतरित होने से बचाया, क्या यही उनका अपराध था?